हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन वीडियो, तो आइए हमारे साथ और देखिए। तो दोस्तों, आज जो हम घर देखने के लिए आए हैं वो 525 स्क्वायर फीट है, जिसमें कि दो रूम दे रखे हैं, एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम। और जो हमारी है किचन वो सेपरेट है, अलग, बिल्कुल अलग बना रखी है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उसमें लगा रखी हैं। और वॉशरूम और बाथरूम दोनों सेपरेट हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगा रखी है, उसमें शावर वगैरह भी दे रखा है। जब आप आओगे तो देखोगे कि हाँ, कितना शानदार घर आपको कम प्राइस में और अच्छी लोकेशन पे, अच्छी जगह पर मिल गया है। लोकेशन हम आपको एंड में बताएंगे ताकि आप पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं, पहले रूम से स्टार्ट करते हैं कि रूम हमारी कितनी अच्छी क्वालिटी में है, क्या क्या उसमें मिल रहा है हमें, और क्या बोर्ड वगैरह इलेक्ट्रिसिटी है भी या नहीं है, फिनिशिंग हम आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं रूम की तरफ, हम आपको दिखाते हैं कैसा रूम है। दोस्तों, अंदर की अगर बात करें रूम के अंदर हमें कितने स्विच मिल जाते हैं, तो यहाँ पर कई सारे स्विच लगे हुए हैं, 1, 2, 3। आप बेड के पास में भी देख सकते हैं, मतलब आराम आपको पूरा मिलेगा, पूरा फील मिलेगा राजा महाराजाओं वाला। इधर टीवी लगा सकते हैं, और एक तरफ फैन के भी स्विच मिल जाते हैं, उसका अलग ऑपरेट है। और बाहर की तरफ एक विंडो भी लगी हुई है, जिससे आपको कभी ठंड वगैरह में आपको रोशनी का भी मज़ा मिल जाएगा, धूप में तो आप काफ़ी बंद ही रखेंगे, कूलर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सारी चीज़ें देख ली, जैसे कि टाइल्स हो गई, टाइल्स की क्वालिटी क्या है वो हमने आपको वीडियो में दिखा दी। ऊपर भी हमारी जो छत में इंटरनल वाली लाइट्स होती हैं, वो भी 4 लाइट्स लगी हुई हैं, वो भी हमने आपको दिखा दी। बाकी सारे बोर्ड वगैरह भी हमने आपको दिखाई दिए। तो अब हम चलते हैं बाथरूम की तरफ, आपको दिखाते हैं बाथरूम की क्वालिटी कैसी है और किस तरीके का वहाँ का सीन है, किस तरीके का बनाया गया है। चलिए, तो दोस्तों, अब हम वॉशरूम एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के टाइल्स लगे हुए हैं, इनका क्वालिटी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिस जो ये दिख रहा है आपको, ये जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम की विंडो लगी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों, जो ये गेट है बाथरूम का, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी के होते ख़राब हो जाते हैं, ये प्लास्टिक का है, फाइबर बोल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। और आपसे ऊपर जो रोशनदान है, रोशनदान से भी अगर पानी गिरता है, कभी बारिश वारिश होती है, तो उससे भी ख़राब होने का कोई डर नहीं है। तो अंदर हम चलते हैं, अंदर दिखाते हैं हम आपको। ये इंडियन टॉयलेट बना रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और बाकी जो टाइल्स वगैरह है, बाकी फिनिशिंग वगैरह भी अच्छी है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो अंदर ये दे रखा है, यहाँ बीच और गोवा का बीच बना रखा है इन लोगों ने, बहुत ही प्यारा लगा मुझे यार। अगर बैठोगे तो लगेगा कि हम गोवा में ही। तो दोस्तों, ये बाथरूम में भी 3 पोर्ट्स दे रखे हैं, एक जो है मेन टंकी का पानी आता है, दूसरा अगर इसको स्विच करते हैं, एक तरफ करेंगे तो नीचे से पानी निकलेगा, और दूसरी तरफ स्विच करते हैं तो ऊपर से हमारा शावर ऑन हो जाता है। तीसरा ये है, ये जो पोर्ट है समरसेबल से डायरेक्ट पानी आता है, अगर आपका समरसेबल चल रहा है तो उसके बाद में इससे पानी से निकलेगा। तीसरा ये जो पोर्ट है, ये सेपरेट है, अगर आप इसमें भरना चाहते हैं, जैसे समरसेबल आपने चलाया तो ये अलग से पोर्ट दे रखा है, आपके बहुत काम आने वाला होगा। दोस्तों, एक और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 2 नल दे रखे हैं, और बढ़ते हुए ज़माने को देखा जाए तो आजकल सबको टेक्नोलॉजी चाहिए भाई बढ़िया वाली, तो यहाँ पर एक नल और दे रखा है, जैसे वॉशिंग मशीन में पाइप डालो और वॉशिंग मशीन में भी पाइप डालो, ख़त्म। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने देखते हुए अपना ये छोटा सा फ्लैट तैयार किया, काफ़ी प्यारा है। तो बाकी आपने देख ही लिया, अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम में शायद मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्ट है। तो दोस्तों, ये जो रूम है बेडरूम, ये बाहर वाले रूम की तरह ही है, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया, उसी उतने ही पोर्ट लगे हुए हैं, उतने ही स्विच लगे हुए हैं, उतनी ही लाइट्स लगी हुई हैं इसमें भी, ठीक है। तो सेम चीज़ें हो जाती हैं, बस नाम आप चेंज कर सकते हो, बेडरूम और गेस्ट रूम। इसमें भी लेकिन एक चीज़ और है, जो भी बालकनी से सीधे जो रोशनदान होता है, रोशनदान से सीधे आपको साइड में विंडो मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो ये एक प्रॉफिट है। और आप बेडरूम में बेड वगैरह डाल के अपना अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं किचन हमारी कितनी बड़ी है और क्या है उसमें। तो दोस्तों, अब हम किचन में आ चुके हैं। किचन में सबसे पहले हमें मिलता है, बस एंट्री करते ही हमें मिल जाता है बोर्ड, एक स्विच मिल जाता है जिसमें आप चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और बाकी 6 स्विच मिल जाते हैं बाकी लाइट्स वगैरह ऑपरेट करने के लिए, ताकि आप लाइट को अच्छे से मैनेज कर पाएं। तो दोस्तों, किचन का मैंने पूरा ओवरव्यू आपको दिखा दिया। यहाँ पर भी एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, 2 स्विच हैं, आप इसमें जैसे कि
इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी एक विंडो भी लगी हुई है, उस विंडो से आपका यूज़ ये होगा कि थोड़ी बहुत धूप भी आ सकती है ठंड में, और बाकी एग्जॉस्ट वगैरह भी लगवा सकते हैं ताकि जो खाना वाना बनेगा उसकी जो झार होगी वो बाहर निकल सके। तो इसका ओवरव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं टेरिस पे, ऊपर देखते हैं क्या है, कैसी टेरिस है हमारी, और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं ये हमारी टेरिस है, और टेरिस के जस्ट पीछे, हमारे मतलब घर के जस्ट पीछे एक मंदिर भी बना हुआ है। तो आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, आप हमेशा यहाँ पर आ सकते हैं, और अपना थोड़ा सा जब माइंड वाइंड ख़राब हो जाए तो वहाँ जाके आराम से शांति ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस कॉलोनी का एड्रेस बता देते हैं और नाम बता देते हैं। तो ये दुबग्गा रिंग रोड पर पड़ रही है, लालाबाग HP पेट्रोल पम्प के जस्ट पीछे। इसका जो कॉलोनी है वो गेटेड कॉलोनी है, इसका नाम रखा गया है ब्रिज धाम, इसको मत भूलिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा अभी टैगलाइन चल रहा है कि नक्शा आपका काम हमारा। तो मतलब आप नक्शा लेकर आइए और काम हम आपको करके देंगे। जिस तरीके का घर चाहिए आप बताइए, और हम आपके लिए घर भी बनाएंगे और आपको हर एक फैसिलिटीज़ भी देंगे। जितना आप कहेंगे उस लेवल का हम आपको काम देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों एड्रेस और बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है, अगर इसका रिस्पांस अच्छे से आता है तो हम प्रॉपर वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।